जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम सिंगल कलर से बड़ा प्यारा सा बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन इतना सिंपल है कि इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं और इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और 4 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। ये डिजाइन हमारा 4 सिलाइयों का डिजाइन है और 4 सिलाइयों को रिपीट करते हमारा डिजाइन बनता है। और इसमें फर्स्ट हमारी बेसिक रो निकलती है, उसके बाद इसके अंदर 4 सिलाइयों में ये डिजाइन रिपीट होता है। राइट साइड से हमारा डिजाइन बनना शुरू होता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 34 फंदे डाल लिए। फर्स्ट रो में एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं, ऊन को आगे करके 2 फंदे उल्टे बनाते हैं, फिर ऊन को पीछे करेंगे, 4 फंदे हम सीधे बनाते हैं, फिर उनको आगे करके 2 फंदे उल्टे बनाते हैं, 4 फंदे सीधे बनाते हैं। इससे हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो निकलती है। ये हमारी बेसिक रो है, ये हमारी डिजाइन में काउंट नहीं होती है। लास्ट में हमारे 2 फंदे उल्टे बनेंगे और लास्ट वाला एज स्टिच का फंदा सीधा बनता है। हमारी डिजाइन की बेसिक रो कंप्लीट होती है। अब अपने डिजाइन की फर्स्ट रो बनाएंगे जो हमारी रॉन्ग साइड से एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं, आगे 2 फंदे उल्टे हैं, उल्टा बनाएंगे, फिर उनको आगे करें। अब आगे हमारे 2 फंदे सीधे हैं, सीधा बनाते हैं, फिर उनको आगे करते हैं, आगे हमारे 4 फंदे उल्टे। इन फंदों को हम ऊन को 2 बार लपेट के बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, फिर उनको पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे और उल्टे फंदों को उनको 2 बार लपेट के हम चारों फंदों को बनाते हैं। इस तरह से हमारी डिजाइन की सेकंड रो कंप्लीट होती है। अब अपने डिजाइन की थर्ड रो में आ गए जो हमारी राइट साइड से एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं, आगे 2 फंदे उल्टे इन्हें उल्टा बनाएंगे, ऊन को पीछे करेंगे। अब इन 4 फंदों को हम खोल लेंगे, फिर ऊन को आगे करेंगे, तो 2 फंदे उल्टे इन्हें उल्टा बना लेंगे, फिर ऊन को पीछे करेंगे, 4 फंदों को हम खोल लेंगे, फिर ऊन को आगे करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह हमारी डिजाइन की सेकेंड रो कंप्लीट होती है। वैसे हमारी ये थर्ड रो है क्योंकि एक रो हमने बेसिक रो निकाल ली थी। इससे हमारे डिजाइन की सेकेंड रो कंप्लीट होती है। अपने डिजाइन के हम थर्ड रो में आ गए जो हमारी रॉन्ग साइड से एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं, 2 फंदे सीधे इन्हें सीधा बनाएंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे और इन 4 फंदों को हम स्लिप कर लेंगे, फिर उनको पीछे करके 2 फंदे सीधे इन्हें सीधा बना लेंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदों को स्लिप कर लेंगे और ऊन को आगे करके 2 फंदे सीधे इन्हें सीधा बना लेंगे। इस तरह हमारी डिजाइन की थर्ड रो कंप्लीट होती है। अब हम अपने डिजाइन की फोर्थ रो में आ गए जो हमारी राइट साइड से एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं, 2 फंदे उल्टे हैं इन्हें उल्टा बनाएंगे, फिर उनको पीछे करेंगे। अब जो हमारे 4 फंदे हैं, शुरू के 2 फंदों को दूसरे फंदे को अपनी सिलाई में लेंगे, पहले फंदे को अपनी इस सिलाई में इन्हें क्रॉस कर लेंगे, दोनों फंदों को हम सीधा बना लेंगे। इसी तरह से फिर पीछे वाले फंदे को अपनी लेफ्ट नीडल में लेते हैं, राइट नीडल में लेते हैं और आगे वाले फंदे को लेफ्ट नीडल में लेते हैं, फिर इन दोनों फंदों को हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह हमारा ये फंदा सेंटर में के दोनों फंदों बाहर की तरफ आ जाते हैं, फिर उनको आगे करके दोनों फंदों को हम उल्टा बना लेते हैं, फिर उनको पीछे करेंगे, फिर सेंटर के फंदे को अपने राइट नीडल में लेते हैं और अपने पहले फंदे को लेफ्ट नीडल में, फिर इन्हें टर्न करके दोनों फंदों को हम सीधा बना लेते हैं, फिर आगे 2 फंदों को
पीछे वाले फंदे को राइट निडल में लेते हैं, आगे वाले को लेफ्ट निडल में लेते हैं और इन्हें सीधा बना लेते हैं। इस तरह से हमारा ये सेंटर के फंदे बाहर की तरफ आ जाते हैं। इससे हमारी डिजाइन की फोर्थ रो कंप्लीट होती है। इस तरह हमारी ये फोर्थ रो कंप्लीट होती है, हमारा डिजाइन कंप्लीट होता है। इन्हीं चार सिलाइयों को रिपीट करते हमारा डिजाइन बनेगा। अब वापस अपनी रोंग साइड में आ गए, एज स्टिच के फंदे को हम स्लिप करते हैं, दो फंदे सीधे ने सीधा बनाएंगे, फिर उनको अपनी तरफ करके बीच के चार फंदों को उनको दो बार लपेट के बनाते हैं, जिस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रो बनाई थी। तो हमारी बेसिक रो तो राइट साइड से होती है और हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो रोंग साइड से स्टार्ट होती है। इसी तरह से इन चार सिलाइयों को रिपीट करते हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है और बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखता है। इस तरह बनने के बाद हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनता है। बैक साइड से हमारा डिज़ाइन इस तरह रहता है। अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।